अलमेकम स्टूडेंट्स सोशल एंटरप्रेन्योर्स जब स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले पहला स्टेप हमने कहा वो प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं जिसको वो टारगेट हैं दूसरे नंबर पर वो अपने विजन और मिशन को स्पेल आउट करते हैं तीसरा स्टेप जो है वो है थेरी ऑफ चेंज कि थेरी ऑफ चेंज से क्या मुराद है अच्छे भले प्रैक्टिकल काम करते करते थेरी कहाँ से आ गई ये बेसिकली एक सिंपल लॉजिक है कॉज एंड इफ़ेक्ट की अगर सोशल प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है कि ये कॉज है इसका इस वजह से ये मसला पैदा हुआ है इस वजह से लोगों की ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो आपने जो सोल्यूशन ऑफ़र कर रहे हैं जो आपका मिशन है जो एक्टिविटीज़ आप सोच रहे हैं आप करेंगे उनका इफ़ेक्ट क्या होगा दोनों तो का आपस में क्या ताल्लुक है बेसिकली थेरी ऑफ चेंज जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर की जो अजम्पशंस होती हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट के हवाले से उनको एक्सप्लिसिट करती है अगर अनएम्प्लॉमेंट जो है वो कॉज है ग़ुरबत की तो जो इफेक्ट है उसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का मतलब होगा कि आप लोगों को या तो रिट्रेंड कर रहे हैं या नए से ट्रेन पहली दफ़ा ट्रेंड कर रहे हैं कुछ बिज़नेस के हवाले से उन्हें स्किल्स दे रहे हैं कुछ उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्स फ्राहम कर रहे हैं या मुख्तलफ ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी थेरी जो है अंडरलाइन अजम्पन ये है कि गुरबत जो है वो एक एटीट्यूड है लोग जो हैं वो अपने फ़ैसलों की वजह से गरीब होते हैं वो सुस्त होते हैं वो काहल होते हैं या कुछ और तो इफ़ेक्ट जो सोलूशन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने से ग़ुरबत का मसला हल नहीं होगा आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ तो पहले भी हैं मैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं और वो जो काहल और सुस्त और लेजी लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते और इस वजह से गरीब हैं उन पर क्या असर होगा तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है थेरी ऑफ चेंज सिंपली उसको एक तरह से आपके सामने एक्सप्रेसड कर देती है आपकी सोच को एज अ सोशल एंटरप्रनोर चैनल कर देती है कि आपने जो प्रॉब्लम एनालिसिस किया और अब जो आप एक्टिविटीज़ प्रपोज कर रहे हैं या लेने के हवाले से सोच रहे हैं उन दोनों में आपस में लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है दूसरे वो थेरी ऑफ चेंज वो डायनमिक्स जो हैं उनका एक तरह से एग्जामिनेशन करती है कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है तो आपस में अगर ये रिलेटेड हैं इस कॉज को वाकई इस इफ़ेक्ट से किया जा सकता है मैनेज तो फिर क्या डायनामिक्स हैं क्योंकि माशरा या सोशल लाइफ या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक ऑर्गेनिक लिविंग थिंग है इट इज़ अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ अबाउट एक्शंस एंड रिएक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो मुख्तलिफ इंसान मुख्तफ अवात में मुख्तलि तरह से सोचते फैसले करते और बाज़ात बग़ैर सोचे समझे कोई फ़ैसला करते या स्टेप ले लेते हैं तो जो इन्वायरमेंट में मुख्तफ डाइनमिक्स हैं फॉर तो एग्ज़ाम्पल जो वेज रेट है अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए लेकिन मिनिमम वेज इतना कम हो कि कोई काम करने में इंटरेस्टेड ना हो पेड काम हर कोई अपना काम करना चाहता हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का ब्ल्यू उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा जितना के पॉलिसी या एडवोकेसी करने का कि वेज रेट जो है उसे बढ़ाया जाए या मिनिमम वेजेस को ज़्यादा किया जाए अट्रेक्टिव बनाया जाए ताकि कुछ लोग जो इस वजह से काम नहीं करते डिस हैं कि जितनी मर्जी मेहनत कर लो पैसे नहीं मिलते या कम मिलता है जिससे गुजारा नहीं होता तो उससे बेहतर है काम ना किया जाए वो लोग अट्रैक्ट हों काम करने में वो उन अपरचुनिटीज़ को अवेल करने में इंटरेस्टेड हों तो ये दो चीज़ें जो है वो थेरी ऑफ चेंज करती है आपका कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप वाजें करती है प्रॉब्लम और सोल्यूशन के दरमियान और जो उन दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं डायनामिक्स उनका एनालिसिस सामने आपके आ जाता है और सोशल एंटरप्रेन्योर जो है उन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करते हुए उसके ध्यान में होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है कैसे एड्रेस करना है थेरी ऑफ चेंज जो है उसको सोशल एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली एक कागज़ पे लिखते अपने स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर तो वो किन चीज़ों के बारे में दरअसल सोच रहे होते हैं या वो किन चीज़ों को एड्रेस करते हैं सबसे पहले वो अपने रिसोर्स के बारे में कि ठीक है ये मैंने सोच लिया प्रॉब्लम है और उसका एनालिसिस है और ये एक्टिविटीज़ हैं या इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं लाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो मेरे पास क्या रिसोर्स हैं इसको रिलेशनशिप को मटेरियलाइज करने के लिए ये रिसोर्स जो हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं और ये सोशल एंटरपेन्योर का सोशल कैपिटल भी हो सकता है दूसरे नंबर पे एक्टिविटीज़ आ जाती हैं कि जो आपने आपका मिशन है जो एक्टिविटीज़ आपने सोची हैं उनकी डिटेल कि मैं ये एक्टिविटी क्यों कर रहा हूँ जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि गुर्बत के हवाले से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना वर्सेस वेज रेट को इंप्रूव करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए एडवोकेसी करना दोनों में से जो एक्टिविटी आपने चुनी है आपने क्यों वो एक्टिविटी चुनी है और उसका ज़्यादा बेनिफिट जो है वो क्यों होने वाला है बनस्बत दूसरी किसी एक्टिविटी के उस एक्टिविटी को किस स्टेज पर करना है आपका स्ट्रेटेजिक प्लान जो है उसमें ये बात आनी चाहिए कौन लोग जिम्मेदार हैं उस एक्टिविटी या एक्टिविटीज़ के लिए ये चीज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आती है बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड रिसोर्स या स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ या कम्पटेंसीज या स्किल्स चाहिए तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग की स्टेज पे एंटरप्रोर जो है उसको ये कंसिडर करना है कि क्या उसे वो रिसोर्स अवेलेबल हैं उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो स्पेशल एक्सपर्टीज़ या स्किल्स अवेलेबल हैं खुद उसके अपने हवाले से या उसकी टीम के हवाले से तीसरे नंबर पर उसको आउटपुट जो है उसको एंटिसिपेट करना है फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए क्रिएट करने की तो एंटीसिपेट करना कि जो एक्टिविटीज़ आपने सोची हैं उनको करने के बाद फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यंग पीपल जो ट्रेंड या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड अमूमन आउटपुट जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या क्वांटिटी या तादाद और मकदार में होती है कि आप क्या फोर्स कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं और जिस स्केल पर कर रहे हैं उससे कितने लोग उनको फ़ायदा होगा कितने लोग या कितने यूनिट्स जो हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के वो सेल होंगे या डिलीवर होंगे ये चीज़ आ जाती है आपकी जो आउटपुट है उसके बाद आउटकम आती है इन द लॉन्ग रन मे बी थ्री ईयर्स एंड मैक्सिमम सिक्स इयर्स उसमें सिचुएशन में क्या चेंज आएगी जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो किस तरह से लोगों की जिंदगियों को इफेक्ट करेगा में जिस तब्दीली के प्रामस के साथ सोशल एंटरप्रेन्योर एंटर हो रहा है या हो रही है क्या वो तब्दीली आना शुरू हुई फॉर एग्जांपल अब बात हम नंबर से आगे करेंगे कि लोग जो हैं उन्हें जॉब मिलने से उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई क्या उनकी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई क्या उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया क्या उनको आप वो अपने लिए हाउसिंग फैसिलिटीज अरेंज कर सके या एनर्जी सेव करना या एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाना ये आउटकम्स हैं जो थ्री टू सिक्स इयर्स की टर्म्स में आप पोर्ट्स ही करते हैं थेरी ऑफ चेंज में कि कितनी चेंज आएगी और लास्ट इम्पैक्ट जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप जो कुछ कर रहे हैं जो आपकी एक्जम्पशंस थी कॉज एंड इफेक्ट प्रॉब्लम और सोलूशन और रिसोर्स और एक्टिविटीज़ के हवाले से उसका लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट माशरे के ऊपर क्या आया है क्या अब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर कम डिपेंड करते हैं क्योंकि वो जब काम करना चाहें तो उन्हें काम अवेलेबल है उनके पास स्किल्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हैं बिज़नेस के लिए माहौल जो है वो कंड्यूसिव है ये चीज़ें जो हैं ओवरऑल जो माशरे में मस्बत तब्दीली आई है उसको हम इम्पेक्ट कहते हैं और ऑफ कोर्स सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं कि इम्पेक्ट को बढ़ाया जा सके और थेरी ऑफ चेंज जो है वो एक चेन आपको बना देती है कि कैसे सर्टन रिसोर्स को सर्टन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हुए क्या आउटपुट होगी किस तरह से आउटकम्स जो हैं उनको हम देख सकते हैं और लॉन्गर इंपैक्ट जो है वो क्या होगा थैंक यू